बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। आए दिन सूबे में हत्या और लूटपाट के कई मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक्शन मोड में हैं। बीते साल के अंतिम दिनों अचानक पटना स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने हालात की समीक्षा की। नए साल में सीएम ने आज फिर पुलिस मुख्यालय में आला अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने आज पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने राज्य में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। बता दें, बीते साल के आखिर में भी मुख्यमंत्री अचानक पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा के बाद अधिकारियों को कई निर्देश दिए थे। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि अब वे पुलिस मुख्यालय बराबर आते रहेंगे, और इसी कड़ी में आज फिर उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। नवंबर में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद से ही सीएम नीतीश लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफी गंभीर हैं। वे लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर में एनडीए की सरकार के गठन के बाद से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम नीतीश की यह पांचवी बैठक है। वहीं हर बार सीएम बैठक में पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश देते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन राज्य में कई अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ पता चलता है कि सूबे में अपराधियों के हौसले काफी बुलंद हैं। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्वीट कर नीतीश सरकार को घेरते रहते हैं, तो इधर कांग्रेस ने भी पिछले दिनों कहा कि नीतीश कुमार के राज में अपराध में बेतहाशा वृद्धि हुई है, अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर है। तो अब देखने वाली बात ये है कि सीएम के बैठकों के दौर के बीच आखिर कब तक सूबे में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से अमल हो पाती है, और कब पुलिस कर्मी कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेते हैं ताकि सूबे में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सके।